दोस्तों, क्या आप जानते हैं खीर गंगा वो स्थान है जहाँ से कार्तिक और गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू की थी। इसके पीछे की कथा बड़ी ही रोचक है। कार्तिक जी जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे तो वे देखे गणेश जी वहीं पर हैं और माता पिता की ही परिक्रमा कर लिए थे। ये देख वो भगवान शिव और माता पार्वती से क्रोधित हो गए और बोले कि आपने मेरे साथ छल किया है, गणेश को आपने नहीं भेजा और केवल मुझे परिक्रमा के लिए भेजा। महादेव ये जान चुके थे कि कार्तिक के मन में यह वहम आ चुका है कि माता पिता गणेश को ज़्यादा चाहते हैं। तब महादेव ने कार्तिक को खीर गंगा के पास 11,000 साल तक तपस्या करने को कहा और माता पार्वती ने उनके लिए खाने के लिए एक दूध की नदी बहा दी। पर अब परेशानी यह थी कि दूध की नदी से कलयुग में इसको लेकर युद्ध ना हो, तो शिव ने परशुराम को वहां भेजा। परशुराम खीरगंगा पहुंचे और उन्होंने सोचा कि थोड़ा दूध में खीर बना लूं और भगवान शिव को भोग लगाऊं, पर खीर का गड़ा नटखट माता दूध गंगा गिरा देती है। यह देख परशुराम को क्रोध आ जाता है और वो श्राप देते हैं कि कलयुग में यह दूध पानी में परिवर्तित हो जाएगा और ये जगह दूध गंगा नहीं खीर गंगा से जानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में महादेव लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब